उत्तर प्रदेश के मथुरा में मजदूरों के साथ हुए भीषण सड़क हादसे के 7 शव जब मध्य प्रदेश के छतरपुर अपने गांव पटली पहुंचे तो शवों को देख गांव वालों की आंखें भी नम हो गई और पूरा गांव मातम में डूब गया, क्योंकि एक साथ एक ही गांव में 5 लाशें अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही थी। हर किसी का दिल दहल उठा, मातम छा गया। इधर मजदूरों के साथ हुए सड़क हादसे में मौत की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी तो उन्होंने ट्वीट करते हुए गहरा दुख जताते हुए मृतक मजदूरों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मजदूरों के परिजनों से फोन पर बात करते हुए ढांढस बंधाने के साथ ही अपने मंडल अध्यक्ष को भेजकर परिजनों को 4-4 लाख रुपए के चेक भी प्रदान किए। जानकारी के मुताबिक 5 मई को छतरपुर जिले के 7 मजदूर जब अपने गांव वापस आने के लिए टैक्सी पर बैठे थे तभी अचानक उत्तर प्रदेश मथुरा के पास जाज पट्टी में सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें सभी की मौत हो गई। मरने वालों में एक 5 वर्ष की बच्ची भी शामिल थी और सभी का शव गांव पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कराया गया। हमारे यहाँ चंदला तहसील है, इसके पटली गांव है। यहाँ के कुछ श्रमिक पिछले 2 साल से मथुरा में शिफ्ट थे और मजदूरी का काम करते थे। पिछले दिनों हुए लॉकडाउन के कारण उन्होंने घर वापसी आने का उनका इरादा हुआ तो उन्होंने वहाँ कोई जाजम पट्टी है जहाँ से उन्हें ऐसी जानकारी मिली कि जाजम पट्टी से छतरपुर के लिए बस मिल रही है, तो वो अपने गांव भरतपुर रोड पे जो उनका जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ से उन्होंने एक ऑटो किया और जाजम पट्टी के लिए रवाना हुआ। इस तरह 3 ऑटो में वो लगभग 20 लोग सवार थे। इसी दौरान एक मोड़ पे बीच वाला जो ऑटो है उससे एक मेटाडोर तेज गति से आ रही थी, सामने से वो टकरा गई। ऐसे इसलिए इस कारण पटली गांव के 5 नागरिक जिसमें एक महिला है जो लगभग 32 वर्ष की है और बाकी सभी माइनर हैं, अवयस्क हैं, जो 16 साल 17 साल 10 साल 12 साल की बच्ची बच्चियों हैं, अचानक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। और एक सरवई गांव की बेटी है रुचि, जो लगभग 14 वर्ष की, उसकी मृत्यु हुई। इस तरह 6 श्रमिक परिवार के 6 सदस्यों की मृत्यु हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।